प्रदेश शिया सेंट्रल बोर्ड 2 माल ए न्यू लखनऊ का तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मिलीभगत कर धोखाधड़ी से शत्रु संपत्ति को हड़पने के संबंध में एक अभियुक्त गिरफ्तार। दिनांक 19 अगस्त 2019 को वादी श्री अल्लामा जमीर नकवी पुत्र स्वर्गीय श्री करार हुसैन निवासी नारायण गार्डन हुसैनवाड़ी ठाकुरगंज जनपद लखनऊ द्वारा थाना अजीम नगर पर तहरीरी सूचना दी कि श्री मोहम्मद आजम खां आदि 9 नफर नामजद तथा कुछ अज्ञात द्वारा धोखाधड़ी कर शत्रु संपत्ति के फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर जमीन को जौहर विश्वविद्यालय में मिलाकर भारत सरकार व राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाया और षड्यंत्र के तहत साक्ष्य मिटाते हुए सरकारी संपत्ति को हड़प कर लिया गया। इस संबंध में थाना अजीम नगर जनपद रामपुर पर 312-19 धारा 420 467 468 471 447 409 201 120 बी भादवी व 3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 3 जुलाई 2020 को पुलिस टीम द्वारा उक्त अभियोग में वांछित चल रहे अभियुक्त सैयद गुलाम सैयदैन पुत्र स्वर्गीय सैयदैन गुलाम शिवतैन रिजवी निवासी मकान नंबर 169-173 डीबीगंज थाना शहादतगंज जनपद लखनऊ को गिरफ्तार कर थाना अजीम नगर रामपुर पर कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त उत्तर प्रदेश सिया सेंट्रल बोर्ड 2 माल एवेन्यू लखनऊ का तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी था। उक्त अभियोग के 3 अभियुक्तगण मोहम्मद आजम खान श्रीमती तंजीन फातिमा तथा अब्दुल्ला आजम पूर्व से ही जेल में हैं। अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। अजीम नगर क्षेत्र में जो गिरफ्तारी हुई है पूरा मामला क्या है सर? थाना अजीम नगर में मुकदमा अपराध संख्या 312/19 दर्ज है। इसमें धारा 420 467 68 71 447 201 120 बी और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अंतर्गत धारा 3 में यह मुकदमा दर्ज है। इसमें मोहम्मद आजम खान श्रीमती तंजीम फातिमा एवं अब्दुल्ला आजम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है एवं यह पूर्व से ही जेल में निरुद्ध भी हैं। इसी विवेचना के क्रम में अभियुक्त सैयद गुलाम सैयदैन पुत्र स्वर्गीय सैयदैन गुलाम शिवतैन रिजवी निवासी मकान नंबर 169/173 डीबीगंज थाना शहादतगंज जनपद लखनऊ जो कि तात्कालिक प्रशासनिक अधिकारी उत्तर प्रदेश सिया सेंट्रल बोर्ड 2 माल एवेन्यू लखनऊ में प्रशासनिक अधिकारी पे तैनात थे। इन्होंने आजम खान के साथ मिलकर धोखाधड़ी कर शत्रु संपत्ति को कब्जाने के जुर्म में इनको रामपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है एवं इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। थैंक यू सर।